फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ी स्टफ्ड वेज बेल पेपर्स। ये बहुत ही डिलीशियस, हेल्दी और प्रोटीन रिच स्नैक है। मैंने इसमें कलरफुल बेल पेपर्स यूज़ करी हैं और मैंने सारी स्टफिंग प्योर वेजिटेरियन बनाई है। सबसे पहले हम बेल पेपर्स को अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर हम नाइफ़ की हेल्प से इन बेल पेपर्स के टॉप को कट कर देंगे और फिर नाइफ़ की हेल्प से इनके जो सीड्स हैं वो हम निकाल देंगे और इनको हम बिल्कुल हॉलो कर देंगे ताकि इसके अंदर हम स्टफिंग भर सके। अब एक पैन को हम मीडियम हीट पे रखेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, 2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर डालेंगे, गार्लिक डालेंगे और गार्लिक डालकर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हमारा गार्लिक भुन गया है, अब इसमें हम अनियन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। अब इसमें हम स्प्राउटेड मूंग डालेंगे, आप कोई और भी स्प्राउट्स डाल सकते हैं, मैंने इसमें अंकुरित मूंग डाली है। अब इसमें चॉप्ड टोफू डालेंगे, टोफू बहुत ही प्रोटीन रिच होता है इसीलिए मैंने इसमें टोफू का यूज़ किया है। अब इसमें हम कॉर्न डालेंगे, कॉर्न से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। इसमें अब इटालियन सीजनिंग ऐड करेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जीरा पाउडर, चाट मसाला ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें चिल्ली पाउडर बहुत लाइट डाला है, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें हम बॉइल्ड स्वीट पोटैटो डालेंगे, स्वीट पोटैटो बहुत ही हेल्दी होता है इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे, पनीर तो वैसे ही बहुत हेल्दी होता है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड करते ही इसके अंदर बहुत ही यमी फ्लेवर आ जाता है और अगर आप लेमन नहीं पसंद करते हैं तो आप मत डालिए। इसमें मैंने अब टमाटो केचप ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उस पर एल्युमिनियम फॉइल लगाएंगे और उसको हम ग्रीस कर लेंगे। अब हम बेल पेपर्स में तैयार की हुई स्टफिंग भरेंगे। और हम इस पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे ताकि उसमें हम चीज़ की फिलिंग कर सकें। इसी तरीके से हम सारी बेल पेपर्स को फिल कर लेंगे। अब इन बेल पेपर्स को हम बेकिंग ट्रे पे अरेंज कर देंगे और इनके ऊपर हम चीज़ की टॉपिंग भर देंगे। चीज़ डालने से ये टेस्टी हो जाती हैं और किड्स के लिए तो वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। अब इन बेल पेपर्स को हम प्री हीटेड ओवन में 400 डिग्री फ़ारेनहाइट और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम बेक करेंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स। अभी चीज़ी स्टफ्ड वेज बेल पेपर्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। इनके ऊपर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल किया है, तो आप इंजॉय कीजिए ये चीज़ी स्टफ्ड वेज बेल पेपर्स। अपनी फैमिली के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको मेरी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए।